आपने क्या करना है, आपने इसको जब अब ये बंदा जो है इसका ट्रस्ट का इशू है, साफ ट्रस्ट का है। जो तरीका मैंने आपको एक बताया वो आपके पास अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको छोड़ दें। दूसरा ये तरीका, इसे कॉल पर ले लें और इसको आपने 30 से 20 मिनट बोलना है, जिसमें जो चाहिए वजह नहीं बतानी कि क्या मैं बोलूंगा, मैं प्रूव करूंगा, नहीं। तो वो कहेगा यार मुझे जरूरत नहीं है, अगर आपने पहले बता दिया। तो आपने जब इसको कॉल पर ले लेंगे, आपने उसे कहना है और क्वेश्चन ये करना है, ये बीइंग अ बिजनेस पर्सन, आप माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, टेल मी वन रीजन जहां आपको 500 पाउंड, 50,000 पाउंड का फायदा हो रहा हो और आप 500 पाउंड लेके डील क्लोज करें। क्या ऐसी डील आप करेंगे जहां 50,000 का फायदा हो रहा है 50,000 पाउंड का और आप 500 पर खुश हो जाए? तो कहेगा नहीं। तो फिर दूसरा आपने कहना है एग्जैक्टली यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं क्यों 500 पर खुश हूंगा आपसे, मुझे ज्यादा पैसा अच्छा लगता है, आपको भी पसंद है। सो आई एम जस्ट एमिंग टू बिल्ड अ रिलेशन, 3-4 साल चले, मैं आपसे 50,000 1 लाख पाउंड कमाऊं और आप मुझसे कमाएं, सो मैं क्यों 500 लेके आपको स्कैम करने की कोशिश करूंगा? यस आई कैन अंडरस्टैंड मार्केट में होते हैं, पर होते हैं मगर वो दुकानदार है, वो बिजनेसमैन नहीं है। सो आप, मैं बेसिकली, मुझे पैसा पसंद है, जिस तरह आपको पसंद है आप बिजनेसमैन है, इसी तरह मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं छोटा हूँ आप बड़े हूँ, पर मैं बेसिकली चाह रहा हूँ रिलेशन बिल्ड करना। और बीइंग अ बिजनेस पर्सन, मुझे ये पता है कि पैसा कभी भी आप कमा नहीं सकते अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एम करें। तो मैं जुआ यहाँ नहीं खेलना चाह रहा, मैं यहाँ खेलना चाह रहा हूँ रिलेशनशिप गेम। मैं आपको वैल्यू दूँ और आप मुझे ट्रांजेक्शन करें ये पीस ऑफ पेपर्स की। सो दीज आर ट्रांजेक्शन, आई एम नॉट हेयर टू अर्न मनी फ्रॉम यू, बेसिकली यू आर गिविंग मी समथिंग, आई एम गिविंग यू वैल्यू एंड यू आर गिविंग मी द कैश, सो आई एम नॉट गोइंग टू अर्न। सो बींग अ बिजनेस पर्सन, आपको भी पता है मुझे भी कि आवर फर्स्ट सेल इज नॉट प्रॉफिटेबल सेल, सो लेटर ऑन मैं चाहूंगा कि आपको मैं फायदा दूं, आप बिजनेस बूम हो और आप 150 बंदा लाऊ, वहां मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा, इस 500 पाउंड पर मेरा नहीं बनेगा। मैं सो आप मुझे बताएं, सब डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट या आप डू यू वॉन्ट टू, नहीं आप इसे डू ना बोले, आप इसे क्या, इज देर एनी क्वेश्चन नाउ? वो कहे यस, अगर वो नो कहता है देन लेट स्टार्ट, डायरेक्ट ये बोल दे। अगर वो कहे यस आई डू, सो इसका मतलब है कि वो और फंस गया, बिकॉज इफ ही स्पीक्स मोर, सो आपको रीजंस पता लग जाएंगे, जिस रीजन में वो जाएगा वो उसमें चले जाए, फिर आप बेनिफिट्स थोड़ा सा बताएंगे एंड देन यू गो इनटू द इमोशनल स्टेट। अब इसको याद रखें, डोंट गो इन द लॉजिक, लॉजिक में नहीं जाना, लॉजिक में आप गए तो आप क्लोज नहीं कर पाएंगे, इमोशन टच करना, ठीक है, ठीक है? समझ हाँ, इमोशनली वो फिर जस्टिफाई करेगा लॉजिक के साथ, लॉजिक वो आपको बीट कर देगा लॉजिक में, और लॉजिक में तो वो कहेगा तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं है, हाउ आई गिव यू द प्रोजेक्ट, सो लॉजिकली आप उसको नहीं प्रूफ कर सकते, यू कैन इमोशनली आप उसको प्रूफ कर सकते, ठीक ठीक है, समझ गया मैं। है? ठीक है, और ये आप करें, और टोन वॉइस फ्लक्चुएशन ऐसी ही रखनी है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, जैसे कि आप अंदर से बोल रहे हो, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था अंदर से, नहीं ऐसे लग रहा है कि इमोशनली आप उससे बोल रहे हो और उससे समझाना चाह रहे हैं। जैसे इमरान खान बोलते हाँ, हैं इमरान खान जैसे बोलता है, जैसे वो, अब देखिए ना लोग टच होते हैं, ठीक बिल्कुल बिल्कुल, है? ये हम देख समझ गया, इंशाल्लाह चले, आप इसको आज ही कॉल पर ले और इंशाल्लाह इसको आज ही क्लोज करें और हम आज देख, ही पैसे भी इंशाल्लाह ले, ठीक इंशाल्लाह हम देख। है? चले चले, ठीक, ओके, मैं ठीक फिर है, इसको ये बोलूं कि आज अगर ये जब कहता है ठीक है, मैं कहता हूँ चलो स्टार्ट, तो उसके बाद फिर इसको बोल दूं कि आप पैसे भेजें और हम काम स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब अब ये क्लोज जब होगा, जैसे कि इसको ऑप्शन दे, वुड यू लाइक पानीयर, पेपाल और बैंक ट्रांसफर, डोंट टेल के पैसे कैसे ट्रांसफर करोगे, भाई ये तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से एक तो डेफिनेटली एक चूज करेगा, दिस इज बेसिकली कार्ड एंड अल्टरनेट क्लोज, जहाँ आप अल्टरनेट देते हो, गिव समझ वन टू थ्री ऑप्शन, तो तीन में से एक जरूर चूज कर, गया, ठीक है। ठीक है?